हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कमर्शियल वास्तु दोष के बारे में। यदि आपका ऑफिस, शोरूम या फिर किसी भी प्रकार का आपका ऑफिस है जहां से आप बिजनेस करते हैं और वो नहीं चल पा रहे, काफी प्रयास करने के बावजूद भी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम होती जा रही है, लेबर की प्रॉब्लम आपके यहाँ पर आ रही है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी आदि से आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, सेल आपकी कम हो गई है, या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रोजाना आपके कारोबार को कम करते हैं, तो आपके ऑफिस, शोरूम या फिर उस जगह पर जहां पर भी आप बिजनेस करते हैं दोस्तों, वास्तु दोष हो सकता है, जिसकी वजह से आप रोजाना कोई ना कोई प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। लोन आपके ऊपर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कर्ज दार ज्यादा हो गए हैं, जिससे कि आपके मन के अंदर काफी परेशानियां हो रही हैं। यदि दोस्तों आपके मन में भी या आपके जीवन के अंदर भी इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक एस्ट्रो वास्तु टिप्स जो कि आपके बिजनेस को सफलता की ओर ले जाएंगे। दोस्तों ये सरल वास्तु टिप्स यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होनी शुरू होगी। दोस्तों मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एडवाइस करता हूं। दोस्तों बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर अंतिम समय तक व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं से जूझता है, उससे दो चार होता है और उसको आवश्यकता होती है एक ऐसे सलाहकार की, जिससे कि वो जीवन के अंदर जो खुशियां वो चाहता है, जो सफलता वो चाहता है, उसमें उसको कोई न केवल सहायक गाइड करे, सलाह दे, बल्कि सही रास्ता भी दिखाए। दोस्तों मैं पिछले 30 वर्षों से लोगों को यह कार्य कर रहा हूं। यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कंफ्यूजन है, या फिर आप चाहते हैं कि जीवन के अंदर आप पहले से अधिक सफल हों, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वास्तु दोष दूर करके किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों व्यक्ति हर रोज अपने ऑफिस के अंदर कम से कम 8 से 10 घंटे बिताता है। यदि ऑफिस का या आपके वर्कशॉप का वास्तु दोष ठीक नहीं है तो उसमें क्या होगा, आपके यहां पर नेगेटिव ऊर्जा डेवलप हो जाएगी, जिससे कि ना तो आपका मन वहां पर लगेगा और ना ही आपके यहां पर कस्टमर्स सेटिस्फाइड आपसे होंगे, जिसकी वजह से आप परेशान होकर
या तो बिजनेस में घाटा उठाकर उस ऑफिस को या उस जगह को बंद कर देंगे, या फिर उसको लंबे समय तक रख के घाटा उठाते जाएंगे। दोस्तों, आज मैं जो यहाँ पर वास्तु टिप्स आपको बता रहा हूं, यदि आप वो करते हैं तो आपको लाभ होगा। दोस्तों, हमेशा अपने ऑफिस का केंद्र स्थान हमेशा खाली रखें, यानी कि जिसको हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, एक उसको चारों कोर्नर से उसको आप नाप लीजिए, जो भी उसका बीच का स्थान बनता है उसको खाली रखिए। इस पर कोशिश करिए किसी भी प्रकार का लोहे का सामान या फिर कोई भी जो भी आपका खराब सामान है उसको बिल्कुल भी मत रखिए। आप अपने ऑफिस के अंदर कंप्यूटर हमेशा दक्षिण पूर्व की ओर रखें, जिसे हम साउथ ईस्ट भी कहते हैं। आपका साउथ ईस्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्यूटर है या टाइपराइटर, जो भी आप या प्रिंटर रखते हैं, उसको हमेशा आप साउथ ईस्ट में रखें। दोस्तों, जो सामान आप जल्दी बेचना चाहते हैं उसे आप नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में रखें, तो वो सामान आपका जल्दी सेल हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने ऑफिस के अंदर आर्टिफिशियल कोई फ्लावर या बुके लगा रहे हैं, तो उसमें कोई भी या फिर नेचुरल भी यदि आप लगा रहे हैं तो कांटेदार पौधे बिल्कुल भी ना हो। यदि आप अपने ऑफिस के अंदर वेटिंग रूम बना रहे हैं तो वो हमेशा साउथ वेस्ट की ओर होना चाहिए। ऑफिस के अंदर जहां भी आप बैठते हैं, स्पेशली जो ओनर है या फिर एम्प्लॉई भी है, उनके पीछे किसी भी प्रकार की खिड़की नहीं होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये वास्तु दोष होगा और इससे आपको बिजनेस में घाटा होगा। आप अपने ऑफिस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड हैं, उनको साउथ ईस्ट में लगा कर रखें। आप अपने ऑफिस के अंदर यदि आपको लग रहा है कि काफी परेशानियां आ रही हैं, तो नो अशोक पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उसके नौ पत्ते लेकर उसको व्हाइट कलर के कच्चे सूत में, जिसको धागा बोलते हैं, उसमें बांधकर अपने मेन गेट के ऊपर लगा दें, और जब वो सूख जाए तो उनको बदल दें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका शोरूम, आपका ऑफिस और दुकान में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और वहां से आपको काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अंदर यह महत्वपूर्ण है कि हम जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के अनुसार और आपकी राशि के अनुसार वास्तु उपाय होना चाहिए, क्योंकि उपाय करते समय हमको ध्यान देना होता है कि आपकी राशि क्या है, नक्षत्र क्या है,
कौन सी दशा चल रही है और आपका बिजनेस क्या है। यदि हम इस चीज को ध्यान में देंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके बिजनेस में लाभ होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं और कमेंट बॉक्स में आपकी यदि कोई समस्या है तो उसको लिखकर भेज दें, हमारी टीम आपको जल्द रिप्लाई करेगी। यदि आप चाहते हैं वास्तु विजिट करवाना तो व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर अपनी क्वेरी हमको भेज सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वास्तु टिप्स की एक इस सीरीज में मैं जल्दी ही और भी जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा। हरे कृष्णा।